भारत माता की, भारत माता की। कमलनाथ जी से निवेदन करें, गीता स्वयं उनके जीवन की प्रेरणा है, उनके कर्म पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है, आज उनसे हम सबको प्रेरणा मिलेगी। माता के बोलो, गीता माता के। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादश श्लोके गीता। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवृतायुत्सव मामृता पाण्डवास्यैव गीता महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। करनाल में भी आपने देखा, जहां पर आज पूरे देश में वैश्विक गीता पाठ किया गया। इस समय विधायक नीलोखड़ी धर्मपाल गोंदर हमारे साथ मौजूद है, इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे, देश भर में एक साथ सभी ने गीता पाठ का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जो महाराज गीता महोत्सव पूरे देश में क्या विदेशों में भी मनाया जा रहा है। तो गीता मैया भी हमारे उसमें बड़ा अहम जो है, इसका एक ही सहारा लास्ट में, भाई अपना काम करो और उसका फल भगवान अपने आप देगा। काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज इतने बच्चे हैं बैठे हैं, मेरा तो इनसे भी निवेदन है कि अपने माँ बाप का कहना मान लें और उसके बताए रास्ते पे चले, हमारा जीवन सफल होगा। और गीता मैया के जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता मैया में कहा है, अपना काम करो अपना जीवन सफल। तो विधायक राम कुमार कश्यप इंद्री से जो विधायक है वो हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, एक साथ देश के लोगों ने गीता पाठ किया, गीता महोत्सव क्या कहा? इसके लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का इसके लिए मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद भी कराना। देखिएगा आज विशेष स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में 125 करोड़ के जो बच्चों ने जो है गीता का जो उच्चारण है, गीता के श्लोकों का उच्चारण 18 अध्याय से एक एक को लिया गया, सभी ने एक साथ मिलकर जो उच्चारण किया, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। इससे हमारी एकता बढ़ेगी, हमारी अखंडता बढ़ेगी और हमें एक भगवान की भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में जो गीत दिया है जनता की भलाई के लिए, जो है कर्म करो, कर्म का फल नहीं, फल की चिंता नहीं करते, फल भगवान अपना मिलेगा। जब हम कर्म करेंगे, पूरी स्थिरता से कर्म करेंगे, निश्चित तौर से वो मानव जो है वही मानव सही मानव माना जाएगा और भगवान भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जो काम कराते हैं तो फिर भगवान ही साथी बन जाते हैं, आगे भीतर वो काम कराता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। जब एक इंसान बन जाएगा तो फिर उससे जब हमारे देश में इस प्रकार का जो काम गीता का काम चलेगा तो हमारा देश को आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल सीनियर व्यक्ति में राजेश अभी है, क्या कहना चाहेंगे शिक्षित में आज के मौके पर? आज मैं सभी देशवासियों का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।
विशेष कृपा हमेशा बनाए रखना है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आह्वान पर और हमारे गीतम ऋषि महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के आह्वान पर आज पूरे देश में पूरे प्रदेश में जो आज ये गीता जयंती के जो ये 11 बजे जो 3 श्लोक सभी देशवासियों ने जो आज पढ़े हैं उससे एक बहुत अच्छा मैसेज जो है सारे देश में गया है। देशों के साथ विदेशों में भी सभी ने ये जो श्लोक है इसका आह्वान पढ़े हैं ये गीता जी के। मैं यही कहता हूँ कि ऐसे जो पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा इतना अच्छा इतना सुंदर जो गीता जयंती का जो ये कार्यक्रम किया गया आज हमारे करनाल में 2 दिवसीय जो ये गीता जयंती का जो मंगल सेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था उसका भी आज दूसरा दिन था, उसमें भी आज रामलीला भवन से भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा के साथ मजार में से निकालते हुए आज सभी यहाँ सभी बच्चों ने भी आज गीता का पाठ किया, उसको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आप तस्वीरें देख रहे थे, वैश्विक गीता पाठ एक साथ यहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं सभी स्कूलों के बच्चे काफी खूबसूरत पोशाकों में यहाँ पर नजर आए जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जब मुख्य कार्यक्रम था वो कुरुक्षेत्रा धर्मनगरी में था जहाँ पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी मौजूद थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे और पूरे देश ही नहीं विदेशों में आज एक साथ जो है गीता पाठ का आयोजन किया गया। 11 बजे का समय था और तमाम स्कूलों से आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे आप कौन से स्कूल से हैं और क्या बने हैं, आप क्या बता रहे हैं? और ये अर्जुन है, ये विवेकानंद जी बने हैं और ये भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विवेकानंद स्कूल से ये तमाम जो बच्चे हैं काफी सुंदर सुंदर पोशाकों में नजर आ रहे हैं। गीता जयंती के मौके पर आप जो है अम्बेडकर चौक स्थित मंगल सेन ऑडिटोरियम से देख रहे हैं तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा, तो आप भी अपने अपने परिवारों सहित बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। कमल मिड्डा, करनाल की न्यूज, करनाल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर वर्ष डेलीगेट्स आते हैं 82 भाषाओं में, पहले गीता जी है ही विश्व के, तो जापान से प्रतिनिधिमंडल उन्होंने जैपनीज में गीता जी का वो किया है। मुख्यमंत्री जी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्होंने जैपनीज कोर्स किए, हमें लगता है जैपनीज उनके लिए एक बड़ा उपहार है हमारे इन्होंने किया, और ये वहां हिंदी पढ़ते पढ़ाते हैं।